नमस्कार. रंग यशाचेमध्ये एका आगळ्या वेगळ्या कलाकाराला आज भेटणार आहोत, डॉक्टर सुप्रिया जोशी. ग्रामीमध्ये ते नॉमिनेट झाले आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे UKमध्ये आता त्यांना व्हॉइस ऑफ इंडियाचा पुरस्कार मिळाला. स्वागत आपका. स्वागत. सुफियाना मतलब अध्यात्म से रिलेटेड होता है और 1000 के ऊपर आपने प्रोग्राम्स किए हैं. क्या महसूस हो रहा है इतने सफ़र करने के बाद? जैसे मैंने मेरे शो में भी कहा कि इंसान अकेला पैदा होता है, लेकिन साथ एक एक आदमी उसके जुड़ता जाता है, परिवार से लेके उसके दोस्त, उसके हमदर्द, उसके भाई बहन या कोई भी रिश्ता हो. और जब हम लोग आर्टिस्ट, एक कलाकार एक मंच पर आता है तो उसके साथ जुड़ता है एक ऑडियंस. ऑडियंस यानी कि श्रोतागण का पूरा सैलाब और उनका काफिला. तो ये काफिले के साथ मेरा ये सफ़र बहुत आगे तक गया है और बहुत आगे तक जाएगा. और 10 साल हो चुके हैं मुझे, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो. लेकिन हाँ, गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है. और इन 10 सालों में जितना भी पाया और जितना भी है, बस सिर्फ इतना है कि और ज़्यादा मेहनत करनी है और इस सूफीज़्म को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, जो कि रूहदारी का काम है और आत्मा को छूती है. रंग यशाचे के माध्यम से हम सक्सेस की खूबियों को बताने की कोशिश करते हैं. फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, और किराने घराने से आपने शुरुआत की थी. ये जो कोई भी सक्सेस पाने के लिए बेस या फाउंडेशन का होना क्यों ज़रूरी है आपके अंदाज़ में? संगीत कहते हैं कि भगवान की देन है. ऊपर वाला जब आवाज़ देता है तो आप में अपने आप ही अंदाज़ आ जाता है. लेकिन हाँ, उसको संवारने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं क्लासिकल. यानी कि आपकी शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है. आपकी शिक्षा होगी, आप बारीकी से संगीत के अंग सीखेंगे, संगीत के बारीकियों को समझेंगे, तो और संगीत को आनंद के साथ गा पाएंगे, मज़े लेके गा पाएंगे, और लोगों से वैसे ही कनेक्ट होंगे जैसे ऊपर वाले से हम ध्यान लगा के कनेक्ट हो सकते हैं. तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. तो समर्पित भाव से, विनम्रता से हम आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस आ जाता है. या आनंद की बात अभी आपने कही, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ऐसे कहा गया है. पर जब तक कोई पायदान हम अचीव नहीं करते हैं, कोई सम्मान हमारा होता नहीं है, उसका एक क्रेम दला क्रेम हम साकारते नहीं है, तो किस में ज़्यादा मज़ा है, इस जर्नी में या उसके पुरस्कार में? मैं अगर मेरे हिसाब से बोलूं तो ये जो जर्नी है इसमें इतना मज़ा है. ये जर्नी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो ऐसा ही है जैसे हमारा बचपन जब कितना खुशहाल और कितना सुकून भरा होता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, क्योंकि बचपन में हम सोचते हैं कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं और बड़े हो के हम ये काम करें वो काम करें, तो ऐसे ही म्यूज़िक में है. आप जब ये कंटिन्यूस प्रोग्राम करते रहते हैं, आप कंटिन्यूस स्टेज पर रहते हैं, आपका ये दौर चलता रहता है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. आपको रिवॉर्ड मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कंटिन्यूस जर्नी है, आपका सफ़र का चलना, चलते रहना, ये बहुत ज़रूरी है. इसमें मैं आनंद में हूँ और आनंद लेती हूँ. आखिर में ये नया अंदाज है आपके संगीत के पेश करने का, ईश्वर और इश्क बहुत नज़दीकी रिश्ता है, तो ये इश्क सूफियाना की कल्पना क्यों पेश करने का विचार आया? मैं गज़ल सिंगर पहले हूँ. मैं क्लासिकल के बाद मैंने गज़ल सीखना स्टार्ट किया. सीखना क्या, मैंने सिर्फ रूह से उसको महसूस किया और गज़ल गाया. मैं कंपोज भी करती हूँ. मुझे ऐसा लगा कि मैं फ़िल्म के गाने भी गाती हूँ, इंग्लिश सॉन्ग भी गाती हूँ, क्यों ना कुछ ऐसी बातें की जाएं जो मेरे दिल के करीब हो और जो रूहदारी का काम हो. रूहदारी का इसलिए क्योंकि संगीत जो है हमेशा कहते हैं कि भगवान से जोड़ता है. आपको बहुत सारी तपस्या कर लो, लेकिन तपस्या करने के बाद भी आपको वो मुकाम नहीं मिलता जो कि संगीत से मिलता है. तो संगीत, और वो भी सूफियाना इश्क. मैंने जो जब कॉन्सेप्ट बनाया तो इश्क, तो कहते हैं कि इश्क तो हमेशा होना ही चाहिए, भले आपके महबूब से हो या ऊपर वाले से, लेकिन सूफियाना इसलिए क्योंकि वो आपको डायरेक्ट गॉड से, ऊपर वाले से जोड़ता है. जब दिल से बात कही हो तो ज़रूर आप तक और ऊपर वाले तक पहुंचती है, और ऑडियंस हमारे लिए ऊपर वाले से के ही बराबर है, क्योंकि आपकी जब भावनाएं, आपके आशीर्वाद जब हम तक आते हैं तो वो ऊपर वाले से रिलेट करते हैं.
आपके अंदाज बहुत ही निराले थे और ये मैसेज लोगों तक पहुंच गया, आपने हमसे बातचीत की, इसलिए विशेष शुक्रिया। धन्यवाद मेरा सारे श्रोतागणों को और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मुझे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और मैं एक मिशन को लेके चल रही हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाइयों के लिए, जिन लोगों के जो स्लम के बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिलता है, तो मैं अपने संगीत के जरिए उनको उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ उन बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आप प्लीज़ मेरे मिशन में, अगर आपको लगे तो मेरे मिशन में शामिल हो जाइए और इस काफ़िले को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।